नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत के बढ़ते वर्चस्व से घबराया पाकिस्तान, भारत के S-400 हथियार से बौखलाया पाकिस्तान, भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती तकनीक से बौखलाया पाकिस्तान। अब ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने अपना डर जाहिर करते हुए कहा कि जो भारत को S-400 रूसी मिसाइल मिलने वाली है, उससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। यही नहीं, कुरैशी तो भारत की बढ़ती ताकत से इतने चिंतित है कि उन्होंने दूसरे देशों से अपील भी कर डाली है कि भारत को आधुनिक तकनीक साझा न की जाए। बता दें, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक तरफ दबती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना रहा है। पिछले 5 सालों में भारत ने ऐसे रक्षा समझौते किए हैं जिससे उसकी सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं ऐसी 3 चीजें जब पाकिस्तान थरथर कांप रहा है। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम, भारत ने $5.83 अरब रुपए में रूस के साथ इस डील को साइन किया था। इस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत को 2020 में मिल जाएगी। यह एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जो कि इस समय सिर्फ चीन और तुर्की के पास में है। अगर S-400 हथियार की खूबियों की बात की जाए तो S-400 में एक साथ कई सारे मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेस है। S-400 एक साथ 3 जगहों पे एक साथ वार कर सकता है। S-400 ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहे ड्रोन को नष्ट कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि रूस ने उसे नजरअंदाज करते हुए भारत के साथ ये करार क्यों किया। आपको बता दें, भारत के S-400 सिस्टम के अलावा राफेल ने भी पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी। खैर, अब भारत को अपना पहला राफेल इसी साल सितंबर में मिलने की उम्मीद है। राफेल के आते ही भारत की वायुसेना में और इजाफा हो जाएगा। राफेल में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बाकी विमानों से अलग बनाते। राफेल कम ऊंचाई से भी असरदार हमला कर सकता है। राफेल हवा से हवा में और हवा से जमीन में अच्छी तरीके से हमला करने में सक्षम है। राफेल में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है। राफेल में 3D मैपिंग की भी सुविधा है। राफेल विमान वाहक पोस्ट से भी उड़ान भर सकता है। अब इन हथियारों के अलावा पाकिस्तान इस बात से भी परेशान है कि भारत स्पेस की एक महान शक्ति बन गया है। खुद गर्दिश में पले पाकिस्तान को यह विकास हजम नहीं हो रहा है। आपको याद दिला दें, भारत ने मिशन शक्ति के तहत लो ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 4th देश बन गया है। इन तकनीकों से भारत को वो शक्ति मिल गई है जिससे पाकिस्तान का घबराना लाजमी है। एसेट मिसाइल से किसी भी सैटेलाइट को मार गिराया जा सकता है। एसेट मिसाइल से धरती से कई किलोमीटर दूर भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। एसेट मिसाइल से दूसरे देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर सकता है। एसेट मिसाइल से दुश्मन देश के सैटेलाइट को निशाने पर रखा जा सकता है। अब भारत की बढ़ती हुई ताकत को विस्तार से जानने के बाद पाकिस्तान का डर व्यर्थ नहीं लगता है। अगर भारत की इस ताकत से पाकिस्तान को अपनी औकात याद रहती है, तो कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और ये हिंदुस्तान की जीत ही है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।